You are watching Cook Smart with Sanjeev Kapoor और अब बारी है lemon grass spa drink बनाने की। जी हाँ, जब भी आप spa के अंदर जाते हैं या आसपास जाते हैं तो वहाँ पर lemon grass की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। भाई देखिए, lemon grass जो है मैंने देखा है कि काफ़ी सालों से अब काफ़ी famous होने लग गया है और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ओवर यूज़ होने लग गया है। जैसे शेफ जो है ना, वो पहले लोग कोई पूछता नहीं था, लेकिन आजकल शेफ्स को काफ़ी ज़्यादा लोग पूछने लग गए हैं। ऐसा लगता है कि lemon grass के साथ में कुछ ऐसा ही है, लेकिन फिर भी क्या करें, लोग करते तो वही हैं जो उनकी मर्ज़ी आती है। तो चलिए lemon grass का हम भी इस्तेमाल करते हैं और ये जो lemon grass है इससे एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो lemon grass है ये लेकर इसको हमने ये lemon grass की रूट ले ली और इसको ज़रा रफली ये देखें, ये क्रश कर लें, काट लें, कैसे भी है ये कर लें। और ये lemon grass ये ले लिया, अच्छा फ्लेवर lemon grass का लाने के लिए ये ले लिया। अच्छा, lemon grass के साथ में थोड़ा सा ये देखिए, ये जो है ये भी कमाल की चीज़, और ये है अदरक। लेमन ग्रास और अदरक, ये कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया, ये ले लिया और इसका जो पूरा फ्लेवर है ये आएगा। लेकिन ये जो ड्रिंक बनेगी तो देखिए, थोड़ी उसके अंदर मिठास भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होगी। नॉर्मल जो मीठा होता है ड्रिंक्स के अंदर उतना मीठा नहीं, लेकिन फिर भी मीठा तो इसके अंदर होगा। तो ये जो है, अब देखिए हमने इसके अंदर ये डाल दिया और इसको अब पकने दें। करीब ये जो है मीडियम हीट के ऊपर 15-20 मिनट तक पकते रहना चाहिए ताकि इसके अंदर पूरा जो lemon grass का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए और उसके साथ साथ जो अदरक है वो भी फ्लेवर इसके अंदर आए, टेस्ट इसके अंदर आए, और चीनी जो है वो भी पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। अब उसके बाद में इससे ड्रिंक बनाई जाएगी। तो करना क्या है कि आप इसे पहले से बना के रख लें, मतलब करीब 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक इसको इसी तरह से आप सोख होने दें, गर्म पानी में ये पकने दें, और चाहे तो इसी तरह से इसको रहने दें करीब एक दिन तक, इसको ठंडा होने दें इसी तरह से, और उसके बाद इसको छान लें। तो क्या होगा कि एक आपके पास में चाशनी सी बन जाएगी जिसके अंदर है lemon grass और ये जो जिंजर है अदरक, उसका टेस्ट और फ्लेवर। और अच्छी तरह से रखेंगे, पका के रखेंगे तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब क्या करना है, जब ये आपने बना लिया उसके बाद में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इसको सर्व करने के लिए आप ये जो lemon grass वाली ड्रिंक है इसे हम सर्व करेंगे नींबू के रस के साथ में ही। तो नींबू के रस के लिए, डायरेक्ट नींबू का रस नहीं, नींबू लेते हैं और नींबू लेकर ये जिस ग्लास में आपने इसे सर्व करना है वो ले लें, और ये थोड़ी चीनी और इसके अंदर ये ले ली, और ये चीनी लेकर अब ये मडलर, ये चीनी और नींबू, नींबू का रस निकल गया। और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो नींबू का बाहर का छिलका है, उसका जो ऑयल है, उसका भी स्वाद इसके अंदर आ जाता है। बस इसको ज़्यादा नहीं दबाएं कि इसके अंदर जो बीज वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं दब जाने चाहिए। अच्छा, बीज वैसे तो इसमें आप रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं निकालने चाहिए तो उसको निकाला भी जा सकता है। तो ये जो है ये बीज, चलिए निकाल दिया हमने। अब ये जो है नींबू का टेस्ट इसके अंदर बढ़िया सा, और इसमें अब देखिए ये इसको आप इसी तरह से रखें और अगले दिन इसको छाने, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और ये जो है ये कमाल की चीज़ जो है ना, ये पूरा का पूरा ये देखिए, इसके अंदर है मज़ेदार फ्लेवर और टेस्ट और सारा का सारा वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आप इसको बना के पहले से रख सकते हैं और इसको दो तीन तरीके से सर्व कर सकते हैं। एक तो जैसे मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये जो है ये कूलिंग
ड्रिंक है. इसको आप वार्म भी सर्व कर सकते हैं. कैसे? ये आप लेकर एक कप के अंदर ये चार बड़े चम्मच डालें और उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल के इसे मिक्स कर दें और पिएं. वो ड्रिंक बड़ी अच्छी लगती है. नहीं तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं. तो अगर गर्म सर्व करना है तो इसको कप के अंदर लेके गर्म पानी डालें, और अगर ठंडा सर्व करना है तो इसके अंदर ठंडा पानी डालें और ठंडे के साथ में थोड़ा सा नींबू का रस भी. तो ये जैसे है, मैंने आपको गर्म भी बता दिया, ठंडा बता देता हूँ. ये लीजिए, ये लिया, और वाह, इसमें आइस, इसके साथ में इसमें आइस, आइस के साथ में ये लीजिए. वाह, ये जो सोडा है, बड़ा कमाल का सोडा, ये लीजिए, ये इसके अंदर, और इसको कर दें मिक्स. वाह, ये हो गया मिक्स. और चाहें तो थोड़ी सी लेमन ग्रास की डंडी इसके अंदर डालें और इसको सर्व करें. ये जो है ये ठंडे वाली, लेकिन जब पियेंगे अदरक का स्वाद, लेमन ग्रास का स्वाद, नींबू का स्वाद, उसके साथ साथ चीनी की मिठास, सोडा है, आइस है, ड्रिंक तो टेस्टी लगनी लगनी है, लेकिन लेमन ग्रास की वजह से एकदम अलग. गरम पियेंगे तो हेल्दी लगेगी, ऐसे टेस्टी भी लगेगी.